आज हम पापलेट फिश फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पापलेट लिए हैं, इसको मैंने नमक लगाया है, हम इसे अब मसाला लगाएंगे। अब हम फिश मैरिनेट करने के लिए मसाले लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिए है, इसमें से एक चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे, दो चम्मच मिर्ची पाउडर लेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लिया है बारीक काट के, काला मिर्ची पाउडर है और धनिया पत्ती है। इसे हम सबको मिलाएंगे और फिश को लगाएंगे। प्लेट लिया है मैंने, इसमें मैं पहले काला मिर्ची पाउडर डालेंगे, दो चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे डेढ़ चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी उसको नमक लगा के रखा है। इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिश को लगाएंगे। यहाँ पे ये फिश है और ये मसाला हम इस फिश में ऐसा भरेंगे। इसमें हम ऐसा ये जो है इसमें ये पूरा मसाला इस तरह से हम सब फिश को लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे इसे पूरा मसाला लगा के ले लिया है। अब हम इसमें ये जो अदरक पीस के लिया था वो डालेंगे और ये धनिया पत्ती डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इसको लगा के रखेंगे। 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे ताकि इसका अदरक का स्वाद इसमें आ जाएगा। 10 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है और हमारी फिश भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। हमें शैलो फ्राई करनी है। ये देखिए ये फिश अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे पैन में डालेंगे। अब हमारी फिश रेडी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब मैं इस तरह से बाकी की सब फिश फ्राई करके ले लूंगी। यह हमारी फ्राई पापलेट रेडी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप घर पे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।